अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सलीम फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑफ पेज एसईओ फैक्टर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन्स, मतलब जितने ज़्यादा डोमेन से बैकलिंक्स मिल रहे होंगे आपकी वेबसाइट के, वो उतना ज़्यादा रैंक करेंगे। उसके बाद लिंक अथॉरिटी, मतलब जिन वेबसाइट से बैकलिंक आ रहे हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, तो इन्हें आप मोज या एचरेफ्स के जरिए चेक कर सकते हैं। उसके बाद डू फॉलो वर्सेज नो फॉलो, मतलब आपके बैकलिंक्स डू फॉलो हैं या नो फॉलो, तो आपको दोनों की ज़रूरत पड़ती है। डू फॉलो जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और नो फॉलो जो है वो डाइवर्सिटी के लिए, ताकि गूगल को शक ना हो कि आप बैकलिंक्स खुद क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद एंकर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, वो भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। उसके बाद रेलिवेंस, मतलब अगर आपकी वेबसाइट टेक्नोलॉजी के बारे में है, तो आया जहाँ से आपको बैक लिंक मिल रहा है वो भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद ट्रैफिक, मतलब जिस वेबसाइट से आप बैकलिंक ले रहे हैं, क्या उस पे ट्रैफिक भी है या नहीं। अगर उस पे ट्रैफिक ना हो तो वो एक स्पाम इंडिकेटर है। अब आप खुद ही सोचें भी, एक वेबसाइट के अगर 1000 बैकलिंक हो और उसकी ट्रैफिक सिर्फ 100 हो, तो गूगल तो उसको स्पाम ही कंसिडर करेगा, और 90% चांसेस हैं कि ऐसी वेबसाइट PBN हो सकती हैं। और गूगल, मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि ज़्यादातर ट्रैफिक को देख के और बैकलिंक्स और ट्रैफिक को कंपेयर करके ये चेक करता है कि ये PBN तो नहीं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, उम्मीद है आपको नीचे सीखने को मिली होगी। अल्लाह हाफिज़।